आज पूनम की रात थी, चारों ओर उजाला ही उजाला था। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम मिलेंगे, और हम मिले भी सही। एक दूसरे की आंखों में आंखें भी डाली, एक दूसरे के सामने भी देखा, लेकिन कमबख्त प्यार का इजहार नहीं कर पाए। क्या यही प्यार के वो पल होते हैं? रास्ते से मैं भी एक दिन चला जा रहा था और वो भी चली आ रही थी। एक दूसरे के सामने भी देखा, एक दूसरे को हंस के जवाब भी दिया, लेकिन कमबख्त फिर वही बात ही नहीं हो पाई। सोचा, क्या यही प्यार का वो पल होगा? क्या यही प्यार की एक शुरुआत होगी? हम मिले भी सही, हम बाद में मिले भी सही। एक बस में वो खड़ी थी, मैंने उसको अपनी सीट दी, वो बैठ भी गई, थैंक यू भी बोला, लेकिन तब भी बात नहीं हो पाई। सोचा, कोई बात नहीं, ये भी एक प्यार का लम्हा ही होगा। हम फिर से मिले, हम फिर से मिले, वो भी एक लाइब्रेरी में, वो बुक पढ़ रही थी। मैंने सोचा, क्यों ना मैं भी बुक के बहाने उसको देख लूं। मैंने भी बुक ली, पढ़ने लगा, उसके सामने देखा, उसने फिर मुझे देखा। मैं उसको बुलाने गया, लेकिन उसने वही लाइब्रेरी का नियम शश करके चुप कर दिया। सोचा, बात नहीं हो पाई, लेकिन सोचा वो भी सही कि काश ये प्यार का लम्हा होगा। अब तो सोचा कि जब भी मिलेगी प्यार का इजहार कर दूंगा। और दोस्तों, वो दिन आ गया कि जब मैं मॉल में खड़ा था और वो मुझे दिखी सामने। मैंने फट से एक गुलाब का कहीं से फूल लिया और उसको देने ही जा रहा था, तो मैंने देखा कि उसके भी हाथ में एक गुलाब का फूल है। सोचा, मेरे लिए ही होगा। जब और उसके पास गया, उसको गुलाब का फूल दिया, और गुलाब का फूल देने ही जा रहा था, तब क्या देखा कि उसका मंगेतर आ गया, दिल टूट गया। फिर गुलाब का फूल जेब में ही रख के वही उसके सामने स्माइल दे के निकल गया। और सोचा, काश पहले ही अपने प्यार का इजहार कर दिया होता और सोच लिया कि यह दिल में अगर सच्चा प्यार है तो बोल ही देना चाहिए। यही थी एक मेरी लव स्टोरी। थैंक यू। निर्मल सिंह सिंघानिया की लव स्टोरी। थैंक यू।